हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एक साथ दो दो एनकाउंटर हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने द्वारका और रोहिणी इलाके में यह एनकाउंटर किया। दोनों इलाकों में पुलिस की दो दो बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक एक बदमाश को गोली लगी है। और सही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो राजधानी दिल्ली के द्वारका और रोहिणी से आ रही है। आपको बता दें कि दोनों ही जगह एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में एक एक बदमाश को गोली लगी है। तो दिल्ली में एक साथ दो दो एनकाउंटर हुए हैं और इन दो दो एनकाउंटर में दोनों ही जगह एक एक बदमाश को गोली लगी है। एक एनकाउंटर द्वारका इलाके में हुआ तो दूसरा एनकाउंटर रोहिणी इलाके में हुआ। तो राजधानी दिल्ली से यह खबर, जहां द्वारका और रोहिणी में दो दो एनकाउंटर हुए और इन दोनों ही एनकाउंटर में एक एक बदमाश को गोली लगी है। सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, दो दो एनकाउंटर द्वारका और रोहिणी में, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, नए नए निजाम आए हैं, बालाजी श्रीवास्तव नए कमिश्नर आए हैं, लगातार यार देखने को मिल रहा है कि कई लूट की वारदातें जो है वो दिल्ली शहर के अंदर ही, उत्तम नगर में इस तरीके की घटना हुई, इसके अलावा बाला हिंदुराव के अंदर घटना हुई, पालम विहार के अंदर घटना हुई। तो डेली सुबह पुलिस की पहली कोशिश यही होती है कि जो बदमाश है उनको पकड़ा जाए, और डेली सुबह इसी तरीके से एक या दो एनकाउंटर दिल्ली के अंदर होते हैं। स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज ने एनकाउंटर किया है, जिसमें दो जो आम सप्लायर है उनको पकड़ा है, और इसके अलावा दो ऐसे बदमाश है जिनके ऊपर रॉबरी के मुकदमे थे। दोनों ही मामलों के अंदर दो बदमाशों के पैर पे गोली लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ज्योत्सना, कि जो लोग लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर जो भी लूट की वारदात की है, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि पालम विहार वाले मामले में इंसिडेंट की हम बात करें तो उसमें जो है गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वो घर का ही सदस्य था। लेकिन बाकी इंसिडेंट, चाहे वो उत्तम नगर के अंदर लूट की वारदात हो, सरेराम घर के अंदर जो बदमाश घुसते हैं, बच्चों को बंधक बनाते हैं, महिलाओं को बंधक बनाते हैं, उसका लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो सरे दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो मामले हैं उनके अंदर पुलिस जो वांटेड क्रिमिनल्स है उनको पकड़ रही है और मुस्तैदी से काम कर रही है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।